Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. पहले तो तहे दिल से माफ़ी, because मेरे यहाँ की construction ख़त्म ही नहीं हो रही है. मेरा साथ वाला घर पता नहीं कब ही बनेगा, कब बन के पूरा रेडी होगा. आई थिंक मेरी शादी हो जाएगी, मेरी विदाई भी हो जाएगी, पर यहाँ पर construction ख़त्म ही नहीं होगी. So please ignore that. मुझे डे टाइम में शूट करना होता है बिकॉज नेचुरल लाइट भी चाहिए होती है. बट कम बैक टू द टॉपिक, ठंड आ गई है. और आजकल ना मेरी हर एक वीडियो पर जब मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, यूट्यूब वीडियो डालती हूँ, एक लड़की का कॉमेंट हमेशा आता है, दी प्लीज़ विंटर स्किन केयर पे वीडियो बनाओ. सो आज मैं स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ऑल माय करंट फेवरेट विंटर बॉडी केयर, स्किन केयर. बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो स्पेसिफिकली मुझे विंटर्स में आजकल बहुत पसंद आ रही हैं. दीज आर ऑल ट्राइड टेस्टेड एंड लव्ड बाय मी. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी. चलो स्किन केयर से स्टार्ट कर लेते हैं. स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश. और फेस वॉश कैटेगरी में जो मैंने रिसेंटली कॉन्टिन्यूस यूज करना शुरू किया, मुझे बहुत पसंद आ रहा है. अभी जो विंटर वाली स्किन होती है ना, इतना ज्यादा ऑयली नहीं होती, इतना ऑयल सिक्रेशन होता नहीं है, बट हमें फेस वॉश तो यूज करना ही है यार. स्किन थोड़ी बहुत तो क्लेंस चाहिए, तो उसके लिए मुझे फेस वॉश काफी पसंद आ रहा है. यह सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लेंजर. दिस इज फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. दिस इज अगेन डर्मैट अप्रूव्ड. ये डर्मैट्स भी रिकमेंड करते हैं बिकॉज मेरी अभी एक्ने वाले जेल्स भी चल रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से यूज करती हूँ प्रोडक्ट्स. ये रिमूव करता है एक्सेस ऑयल विदाउट ड्राइंग योर फेस. इसके ऊपर क्लेम में भी लिखा ही हुआ है. एंड दिस इज जेंटल फोमिंग एक्शन, सो फ्री, नॉन इरिटेटिंग, हाइपोलोजेनिक. इसका सिर्फ यही है कि इतना ज्यादा फोम नहीं होता. आप जो आपके रेगुलर वाले फेस वॉश होते हैं ना, इसे प्रॉपर झाग बनता है, इसमें वो वाला फोम नहीं बनता, बट जेंटली काफी अच्छे से स्किन को क्लेंस कर देता है. मैं आजकल इसको आई थिंक वन मंथ तो हो गया, मैं इसको मॉर्निंग में यूज करी बिकॉज मॉर्निंग में एक जेंटल क्लेंजर मुझे चाहिए होता है. उसके लिए एकदम ये परफेक्ट है. सो अगर आपकी भी अभी विंटर्स में ना स्किन हल्की हल्की सूखी फील हो रही है, आप कोई फेस वॉश यूज करते हो, स्किन आपकी ड्राई फील होती है, गो फॉर दिस वन, यू विल लव इट. इसकी काफी जेंटल खुशबू भी है. या इट हैज अ वेरी जेंटल, मतलब बिल्कुल जैसे बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना जॉनसन वाले, की बिल्कुल वैसी खुशबू आती है. नेक्स्ट वी हैव मॉइस्चराइजर. एक तो मेरी एक्ने की ट्रीटमेंट चल रही थी जो मैं ट्रेटनॉन ले रही थी, अब तो मैंने लेना वो बंद कर दिया बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया था, उसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा मुझे फील हो रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया. बट स्टिल अभी भी मेरी स्किन बहुत ड्राई है, सूखी सूखी रहती है. विंटर्स और आ गए हैं, ऊपर से और ज्यादा विंटर्स में ड्राई हो जाती है. सो आजकल तो मैं काफी ज्यादा नरिशिंग वाली क्रीम्स होती है ना वो यूज करती हूँ. सो आई हैव टू ऑप्शन जो मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं. सबसे पहला ऑप्शन है ये डॉटन की का, जो मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ था पीआर में और मैंने अपने मंथली फेवरेट में फीचर किया है. आई लव्ड इट. आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट लॉन्च है डॉटन की के सेरामाइड वाले रेंज का. ये उनका सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड का स्किन बैरियर रिपेयर फेस क्रीम. दिस आर लुक्स लाइक, आप देख सकते हो मैंने पूरी निचोड़ दी है ये. मैं इसको रेगुलर यूज कर रही हूँ आजकल. इसके अंदर प्रोबायोटिक्स एंड राइस वाटर है. दिस इज फॉर ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई सेंसिटिव स्किन. मैंने अपनी मंथली फेवरेट्स में भी इसका रिव्यू किया था. मैंने वहां पर भी यही सेम स्टेटमेंट बोली थी कि जस्ट बिकॉज उस पर लिखा है वेरी ड्राई, तो ऐसा नहीं आपकी स्किन को ऐसा ग्रीसी बना देगा, ऑयली बना देगा. आई लव द फैक्ट ये बहुत नरिशिंग है, स्किन में काफी अच्छा फील होता है. Nourishes my skin so well, but at the same time ये मेरी स्किन को ऐसे ओवर ग्रीसी नहीं बनाता. इसके ऊपर जब मैं सनस्क्रीन या मेकअप भी करती हूँ ना, बहुत अच्छा एक लुक निकल के आता है. मेरी स्किन एक्सेसिवली ग्रीसी नहीं लगती एंड इसकी नरिशमेंट बहुत अच्छी है. वैसे भी सेरामाइड्स काफी अच्छे होते हैं हमारे लिए. अगर आप भी कोई एक्ने ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, वैसे भी आपकी स्किन रेड है, इन्फ्लेम्ड है, फिर कोई प्रोडक्ट रिएक्शन हो गया है, उस केस में भी ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा है बिकॉज इसमें आपको सेरामाइड्स मिलते हैं. इंटेंस मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, रिपेयर करता है, सूथ करता है स्किन को. एंड ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है, विच इज अ बिग ये, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी आपको तभी भी सूट कर जाएगा. नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना वो एक लेवल और ऊपर है इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग. मतलब ये हैवी फील हो सकता है. सो अगर आपकी कॉम्बिनेशन या फिर हल्की सी ऑयली स्किन है विंटर्स में भी, आई वुड से ये वाला स्किप कर सकते हो, फिर आप डॉटन की यूज करो बिकॉज ये काफी ज्यादा इंटेंसली मॉइस्चराइजिंग है. तो जिस दिन भी मैं पार्टी या कोई वेडिंग मेकअप करती हूँ, मुझे पता है काफी हैवी बेस जाने वाला है, उस दिन मैं ये वाला यूज करती हूँ बिकॉज फाउंडेशन और जो मेकअप जितने भी होते हैं ना वो क्रैक होते हैं स्किन पर, और विंटर्स में बेस क्रैक होने का बहुत ज्यादा चांस होता है. सो आई मेक श्योर कि मैं पहले अच्छे से भर भर के मॉइस्चराइजर लगा लूँ. ये है फेस शॉप का राइस सेरामाइड रेंज का मॉइस्चराइजर. दिस इज लुक्स लाइक द ओजी मॉइस्चराइजर फ्रॉम द फेस शॉप रेंज. इसका भी कंसिस्टेंसी बिल्कुल कोल्ड क्रीम जैसी है, काफी थिक थिक ये फील होता है. एंड सी ये भी काफी नरिशिंग है. इसमें फ्रेग्रेंस है, मतलब इट हैज अ वेरी वियर्ड सी फ्रेग्रेंस जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट हाँ ये इतनी ये स्किन को इरिटेट नहीं करती. सो दैट्स गुड. अगेन वेरी वेरी नरिशिंग. अगर आपकी बहुत 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 ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, आई वुड से गो फॉर दिस वन, यू वोंट रिग्रेट. कमिंग टू सनस्क्रीन, विंटर्स मैं कंप्लीटली स्विच कर जाती हूँ नरिशिंग डूई वाली सनस्क्रीन की तरफ बिकॉज यदि मेरी मैट वाली सनस्क्रीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेस को क्रैक कर देती है बिकॉज ऑब्वियसली सनस्क्रीन को हम थ्री फिंगर रूल के हिसाब से लगाते हैं. जब मैट वाली हैवी ऑयल फ्री और जो ऑयल कंट्रोल वाली सनस्क्रीन आती है वो थ्री फिंगर रूल के हिसाब से लगा
साल ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, फिर उसके ऊपर जब हल्की सी बीबी क्रीम मेकअप भी करो और ज़्यादा बेस क्रैक होता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी सनस्क्रीन ही काफ़ी अच्छी नरिशिंग हो। तो दो ऑप्शन है, एक डर्मेट अप्रूव्ड है और एक मेरा फेवरेट ऑप्शन है। सबसे पहले है ये एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन। यू गाइस नो आई लव दिस वन। ये मेरी सेकंड बॉटल है, फर्स्ट वाली मैंने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। ये उनकी ग्लो प्लस डूई जो रेंज है, ये येलो वाली, उसकी रेंज की सनस्क्रीन। इसका काफ़ी अच्छा एक नरिशिंग सा इफेक्ट है। एंड आ क्यों नहीं रही, खत्म हो गई, मैंने ये वाली भी फिनिश कर दी। आजा बेटा थोड़ी देर, आजा। ओके, वी हैव अ लिटिल बिट लेफ्ट हेयर एंड यू कैन सी काफ़ी पतली। आई लव द फैक्ट ये सनस्क्रीन है लेकिन इतनी थिक थिक नहीं है, तो उसको ब्लेंड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप थ्री फिंगर रूल के हिसाब से लगाओ, स्किन पर हैवी ग्रीसी फील नहीं होती, स्किन को एक बहुत अच्छी शाइन देती है, ग्लो आता है। लाइक इससे पहले मैंने वो राइस सेरामाइड वाली स्वॉच करी थी, उसके बाद मैंने ये स्वॉच कर दी, तो मेरी एकदम, आप देख सकते हो स्किन कितनी सही ग्लो मार रही है, वाइल दिस वन इज कम्प्लीटली डेड एंड ड्राई। ये फ़र्क आता है एक अच्छा बेस करने से, आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करती है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन, ये आप डेफिनेटली ले सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है वो डर्मेट अप्रूव्ड है, बिकॉज मेरी डर्मेट बायोडर्मा ही मुझे रिकमेंड करती है मैक्सिमम केसेस में। ये बायोडर्मा की फोटोडर्म मैक्स SPF 50+ ये वाली सनस्क्रीन है। ये मुझे PR में आई थी फ्रॉम बायोडर्मा। आई थिंक इसकी पैकेजिंग अब चेंज हो चुकी है, अब इन्होंने एक अपग्रेडेड पैकेजिंग निकाल दी है। दिस इज वेरी हाई प्रोटेक्शन, सेंसिटिव स्किन, इनविजिबल टेक्सचर, वाटर रेजिस्टेंट है, एंड दिस इज विदाउट एनी परफ्यूम और फ्रेग्रेंस। एंड दिस इज हाउ द टेक्सचर ऑफ दिस वन लुक्स लाइक। अगेन ये भी पतली है लेकिन इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने में ना टाइम लगता है, ये वाली जल्दी ब्लेंड नहीं होती, इसको थोड़ा सा और टाइम लगता है। ब्लूइश ब्लूइश इसमें कास्ट आती है इनिशियली, बट आप जैसे अच्छे से ब्लेंड कर दोगे ना स्किन में सिंक इन हो जाती है थोड़ी देर बाद, इतना पता नहीं चलता। इसकी SPF 50 है और इसकी भी जो SPF है वो है 50+, दोनों ही 50 SPF है, विच आर जस्ट परफेक्ट। सर्दियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कम SPF लगा के चले जाओगे। देखो धूप सर्दी में भी लगती है, इनफैक्ट मैं तो और ज़्यादा धूप खाती हूँ सर्दियों में। मतलब मेट्रो में कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे हल्का सा धूप कहीं दिखती है तो मैं बैठती हूँ ऐसे धूप के अंडर, बिकॉज अच्छा लगता है सर्दी में। सो आई मेक श्योर कि मैं SPF 50 मेंटेन करके चलूँ अपनी स्किन पर। सो दीज आर द टू गुड ऑप्शन फॉर विंटर। नेक्स्ट अप वी हैव द OG बोरुलिन क्रीम। आई थिंक विंटर शुरू होते ही ये भी आ ही जाती है, आई थिंक सबके घर का पेटेंट होगा, हर इंडियन घर में आपको बोरुलिन मिलेगी। इस बार मैंने बोरुलिन की वाली ट्यूब नहीं ली, बिकॉज वो काफ़ी बार ना स्क्वीज ही नहीं हो पाती, एंड में आते आते आप उसको ऐसे दबाते रहो उसमें निकलता ही नहीं है। सो दिस टाइम आई बॉट दिस टब वाली पैकेजिंग, ये भी आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, अगर आप एक या दो लोगे आपको और अच्छी डील मिलेगी। सो दिस इज द OG बोरुलिन की जो क्रीम आती है, नाइट रिपेयर क्रीम इसका नाम है। दिस फॉर ड्राई स्किन, लिप्स, फेस, हैंड्स, एल्बो, फीट। आई थिंक बोरुलिन को तो कहीं पर भी यूज़ कर लो, एकदम किंग की तरह काम करती है। अगर आपकी लाइक ये एल्बोज बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही हो, आपके नीज काफ़ी बार क्रैक होते हैं, नीचे फुट पर क्रैकनेस आ जाती है, मैं इसको स्पेसिफिकली, मैंने इसको अपने जो वैनिटी में रखा है ना, मैं इसको अपने लिप्स और आईलेट्स पर यूज़ करती हूँ। सो क्या है, मैंने आपको बताया था ना मैंने मेकअप क्लासेस ज्वाइन करी, आई एम डूइंग डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो ऑब्वियसली मैं फेस पर मेकअप किससे नहीं कराती, मैंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि मैं फेस पर किससे मेकअप नहीं कराऊंगी, बट आई प्रैक्टिस के लिए मैं अलाउ कर देती हूँ। सो मैं अपने किसी फ्रेंड पर आई प्रैक्टिस करती हूँ, वो मेरे पर आई प्रैक्टिस करती है, तो जब आई मेकअप ज़्यादा डेली बेसिस पर ऐसे करूँ ना, थोड़ी सी स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है, इवन दो यू रिमूव योर मेकअप वेरी वेल, रात को हल्का सा लगता है कि मेरी लिड्स बड़ी ऐसे सूखी सूखी फील हो रही है। सो आजकल मैं डेली, आई थिंक वन एंड हाफ मंथ जब से मेरी वो क्लासेस चल रही हैं, मैं ये डेली एक स्टेप अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में करती हूँ। मैं थोड़ी सी बोरुलिन लेती हूँ, दोनों आईलेट्स पर लगा के मसाज करती हूँ आईलेट्स पर, अच्छे से इसको एक नरिशमेंट मिलती है, मेरी आईज इसे ड्राई नहीं होती, अच्छी भी रहती है। जो हल्की सी डार्कनेस थी ना, मैंने उसमें फ़र्क देखा, मेरी जो आईज की डार्कनेस है वो भी काफ़ी कम हो गई है। आई रिमेंबर वन ऑफ माई ब्लॉगर फ्रेंड टोल्ड मी, जब एक बार मैंने इसे स्टोरी डालती, शी सेड मैंने इसको अंडर आईज पर भी यूज़ करके देखा, इट वर्क वेरी वेल फॉर हर। सो आप अंडर आईज पर भी अगर यूज़ करना चाहते हो बिफोर मेकअप, आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको नोज के कॉर्नर में काफ़ी बार यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरी एक्ने ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी अडैप्लिन होता है, एजीडर्म, एजिलिक एसिड, जितनी भी ट्यूब्स होती है ना, ये थोड़ी सी ड्राइंग होती है, स्किन को सुखाती हैं, काफ़ी बार पील्स निकलने शुरू होते हैं, तो इस पोर्शन में मेरी काफ़ी ज़्यादा ना स्किन ऐसे पील्स निकलते हैं, सूख जाती है। तो रात को बिल्कुल लास्ट स्टेप मैं क्या करती हूँ, मैं हल्का सा लेती हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर लेती हूँ, सो दैट यहाँ पर वो क्रैक्स ना आए। आप इसको एज अ लिप स्लीपिंग मास्क भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहते आप तब भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक बोरुलिन इज द OG, आप समझ गए ना, ये तो होना ही चाहिए, आप इसको कहीं भी लगाओ ये बिल्कुल बढ़िया काम करती है। कमिंग टू लिप केयर कैटेगरी, दीज टू आर माई करंट फेवरेट। सबसे पहले है ये डॉटन की का लिप प्लम्पिंग स्लीपिंग मास्क, ये तो मैं आजकल डेली रात को यूज़ कर रही हूँ। दिस आर लुक्स लाइक, छोटी सी टब है, क्यूट सी, और आप देख सकते हो अंदर पता नहीं दिख रहा है दिख रहा, बट मैंने लिटरली सेंटर में डेंट कर दिया है। मैं इसको 1 month से भी ज़्यादा हो गया मैं इसको रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। दिस हैज वर्कड रियली वेल। इसका जो एक रेडिश सा कलर है ना, वो एकदम स्टे करता है, सुबह तक मेरे लिप्स एकदम रेड रेड रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्वॉच करके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ये बड़ा प्यारा रेड सा एक कलर देता है लिप्स पर, और वो सुबह तक स्टे करता है। सो अगर आपको थोड़ा सा लिप्स डार्कनेस
एथेनॉल का भी इशू हो गया ना, आई थिंक उस पर भी ये डेफिनेटली वर्क करेगा. लिप्स को नरिशमेंट तो देता ही है, ओवरनाइट एक बहुत अच्छी नरिशमेंट मिलती है लिप्स को. एज आई टोल्ड यू, मेरी ट्रेटनॉन का जो कोर्स चल रहा था उससे लिप्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे सूखे ड्राई हो जाते हैं, अजीब से फ्लेकी से. तो उस सेंस में स्लीपिंग मास्क ने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. बड़ा क्यूट सा छोटा सा है, बट अंदर जितनी आपको क्वांटिटी मिल रही है ना, आई थिंक वो ऐसे वाले जो लिप बाम्स होते हैं ना उससे ज़्यादा ही मिल रही है. सो डेफिनेटली बहुत लंबा चलने वाला है. सेकेंड वन इज़ अ प्रॉपर लिप बाम, जो ऑब्वियसली मैं अपने बैग्स में रखती हूँ, बिकॉज बैग्स में ना मैं ऐसे वाले प्रोडक्ट्स कम अवॉइड ही करती हूँ, बिकॉज ऐसे बाबा डिग इन करना इज़ वेरी अनहाइजेनिक कहीं बाहर हो तो. सो आई रियली लाइक सच लिप बाम. ये है मेरा फेवरेट आजकल का TNW का टिंटेड लिप बाम. दिस हाउ इट लुक्स लाइक, छोटा सा एकदम चैपस्टिक जैसा ये वेरियंट है. ये जो वेरियंट है ये है पॉमोग्रेनेट एंड शेयर बटर वाला. इसका भी एक रेड टोन आता है, यू कैन सी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है. सो दिस इज ऑल्सो गुड. इसका एक हल्का सा रेड टेंट आता है, नॉट वेरी लाउड, लेकिन एक बहुत प्यारा माइल्ड सा रेड टेंट आता है, विच इज़ गुड. अभी भी लगा लेती हूँ, मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं यार. ये लिपस्टिक्स लगा लगा के ना स्किन एकदम, लिप्स एकदम सूख जाते हैं. इसका जो टेंट है ना वो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मेरी लिपस्टिक का कलर चेंज हो जाए, ऐसी ऊपर का कलर इतना चेंज नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम एक नरिशमेंट मिल जाती है. नाइस, हल्के से ग्लॉसी भी हो गए. कोई भी आपकी मैट लिपस्टिक हो ना उस पर लगा लो, लिप्स थोड़े से ऐसे ग्लॉसी भी हो जाते हैं. ये आपको अमेजोन की सेल पर हमेशा डिस्काउंट पे मिलता है, सो डू चेक इट आउट. अब आ जाते हैं बॉडी लोशन पर. बॉडी लोशन में मेरा फेवरेट चल रहा है डॉक्टर शहद. ये तो मैंने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया, मतलब इसमें से पम्प में से निकल नहीं रही है, तो मैं ऐसे पूरी खोल खोल के इसको निकालती हूँ. ये मैंने नवंबर मंथ में अच्छे से यूज़ करी थी. ये तो मैंने इनफैक्ट अपना जो लेजर हेयर रिडक्शन कराया था ना अभी हैंड्स और लेग्स का, मैंने तब भी यही यूज़ करी थी. ऑब्वियसली वो एक ऑइंटमेंट देते हैं जो हमें 3 दिन तक लगानी होती है, और उसके ऊपर फिर आप कोई भी एक अच्छा बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो. तो मैंने ये तब भी यूज़ करी थी, सूटेड मी रियली वेल. सो ये सेरामाइड एंड वाइटामिन सी का बॉडी लोशन. इसमें आपको मिलता है 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, फिर आपको मिलता है 3% ग्लिसरीन आमला, 1% वाइटामिन सी, 1% एक्वा एक्साइल. दिस वन इज डीपली मॉइस्चराइजिंग दैट रिपेयर एंड ब्राइटन अप योर स्किन. सो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी. दिस इज लाइक इन मॉडरेशन लेवल इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइजेशन. सो अगर आपको ज़्यादा भी ग्रीसी नहीं चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे मैट और सूखी सूखी वाली फीलिंग भी नहीं चाहिए, आपको एक परफेक्ट मॉइस्चराइजेशन चाहिए ना, तो ये सेरामाइड एंड विटामिन सी इज फॉर यू. यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. बट अगर आपकी बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो गया, लाइक जैसे जैसे विंटर्स बढ़ती है ना, मेरा वो पानी का टेम्परेचर एकदम बढ़ता जाता है, मैं लिटरली बॉइलिंग हॉट वाटर से नहाती हूँ, मतलब बाल्टी में से धुआं आ रहा होता है और मैं नहाती हूँ उस पानी से. आई नो इट्स नॉट गुड, ज्यादा जलते पानी से नहीं नहाना चाहिए, बट क्या करूँ यार, मुझे अच्छा लगता है. आई लव हॉट वाटर बाथ इन विंटर. और आप जितने गर्म पानी से नहाते हो ना सर्दियों में, उतनी ज्यादा स्किन फिर आपकी बाद में ड्राई हो जाती है. अजीब से ऐसे स्क्रैच आप ऐसे स्किन पे से टच करोगे ना, ऐसा लगता है ब्लैक बोर्ड बन गई आपकी बॉडी. सो उस सेंस में मुझे ये वाला वेरिएंट बहुत पसंद आ रहा है. ये अगर आप नॉन विंटर डेज में यूज करोगे ना, आपकी स्किन को ग्रीसी बना देगा, आप नहीं यूज कर सकते. बट अभी जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन बताई ना, उस केस में ये एकदम परफेक्ट है. तो ये मेरे वॉशरूम से मैं लेके आई हूँ, मैं इसको आजकल नहाते ही यूज कर लेती हूँ. ये है डॉक्टर शहद की शेयर बटर एंड वाइटामिन ई बॉडी लोशन. दिस आउट लुक्स लाइक एंड शेयर बटर, यू गाइस नो कितना लोडेड होता है नरिशमेंट में. इसमें आपको मिलता है 2% वाइटामिन सी, शेयर बटर है, मैंगो बटर है, इसमें 4% ग्लिसरीन है. ओके, आई जस्ट नोटेड नोटिस दिस. इसमें 3% ग्लिसरीन है, इसमें 4% ग्लिसरीन है. मुरू मुरू बटर, मतलब इसमें सारे जो बटर्स की नरिशमेंट होती है ना वो है. तो अगर आपकी भी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ड्राई वाली स्किन है ना, मतलब बिल्कुल भाई ऐसे स्क्रैच करो तो ऐसा लगता है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो, तो उस सेंस में ये वाला लोशन आपके लिए है. ट्रस्ट मी, यू विल लव इट. ओके, देयर इज अनदर प्रोडक्ट जो मैं डाल के लाई थी. मैं नीचे से ना बॉक्स भर के लाती हूँ प्रोडक्ट फीचर्स के लिए, जो मैं ऐसे वीडियोज बनाती हूँ आइडिएशन से पहले. सो ये भी मैंने लास्ट में रख लिया था. इसके पीछे एक स्टोरी है कि सर्दियाँ आते आते ना नहाना थोड़ा सा हो जाता है कम. देखो मुझे ज्ञान मत देना कि हम तो रोज़ नहाते हैं, अगर आप नहाते हो गुड फॉर यू. मैं तो नहीं नहा सकती स्पेसिफिकली, क्लासेस मेरी वैसे ही चल रही है, सुबह सुबह जाना होता है, ठंड और लगती है, तो मैं ऑल्टरनेटिव डेज पर ही नहाती हूँ जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. सो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. सुबह जब मैं खाली कपड़े चेंज करके जाती हूँ ना, मैं इसको अंडर आर्म पे यूज़ कर लेती हूँ. अंडर आर्म थोड़ी सी क्लेंस भी हो जाती है, एज इन एक अच्छी खुशबू आती है, और वैसे वो वाली वो हल्की सी जो स्वेट स्वेट वाली बदबू होती है ना वो भी चली जाती है. ये है निविया का नेचुरली गुड डिओड्रेंट. दिस इज अ ग्रीन टी वन. ये इनका बायो ग्रीन टी वाला वेरियंट है जो 95% नेचुरल ओरिजिन से बना है, 5% इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट है. दिस गिव्स यू 24-hour प्रोटेक्शन. ये मेरा फेवरेट वेरियंट है निविया का. अदरवाइज वो जो व्हाइट वाले आते हैं ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, उनके क्लेम्स भी वही हैं, अंडर आर्म व्हाइट कर देंगे, लाइट कर देंगे. इसमें वो वाला क्लेम नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है, बिकॉज देखो रोल ऑन नहीं कर सकते आपके अंडर आर्म्स को गोरा, लेट मी जस्ट टेल यू. सो प्लीज़ ऐसे क्लेम्स पर मत जाना. बट या
दिस वन डेफिनेटली हेल्प्स इन दैट ओडर प्रोटेक्शन. अनदर प्रोडक्ट ये बॉक्स में पीछे की साइड रखा था तो मुझे दिखा नहीं, ये है डर्मैट रिकमेंडेड नाइट क्रीम. ये मेरा सेकंड जार है बाय द वे. फर्स्ट जार तो मैंने डर्मैट के वहीं से लिया था क्लिनिक से ही, और ये 2500 रुपये की नाइट क्रीम है. मतलब जो फटका लगा था ना उस टाइम, मैंने ले भी लिया बिकॉज शी वॉज लाइक आपको यूज़ करनी है. मैं इसके साथ एजीडर्म मिक्स करके लगाती हूँ. मुझे पूरा एक रूटीन दिया हुआ है मैंने डर्मैट ने जेल्स और ट्यूब्स का. मुझे वो ऑल्टरनेटिव बेसिस पे ना मिक्स करके लगानी होती है. तो मैं एक जो TTS या फिर MWF आप बोलो, उस दिन पर मैं ये बायोडर्मा की पिगमेंट बायो नाइट रिन्यूअर क्रीम लगाती हूँ, और इसमें मैं एजीडर्म का एक पी साइज अमाउंट ऐड करती हूँ जो एजिलिक एसिड की क्रीम होती है. मिक्स करके फिर मुझे लगाना होता है फॉर माई एक्ने मार्क्स. और बाकी दिन पे मैं लगाती हूँ सेवामेट का जो जेल आता है उसमें अडाप्लीन मिक्स करके लगाती हूँ. ऐसे मुझे यूज़ करना होता है. सो फर्स्ट अब मैंने रिसेंटली ही ख़त्म किया है, कम्प्लीटली फिनिश कर दिया था. ये मुझे थैंक गॉड रैंडमली कल्ट पर दिख गई. और कल्ट का अगर आपको नहीं पता, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है. अगर आप फर्स्ट टाइम शॉप करते हो ना कल्ट से, आप उस पर कल्ट 75 कोड लगाओगे आपको फ्लैट 75% ऑफ मिलता है. तो मैंने ये सेकेंड जार वहीं से मंगाया था, तो 75% ऑफ करके आप लगा लो. 2500 कंपैरिजन मुझे कितनी सस्ती मिल गई, आई थिंक 500-600 की मुझे मिल गई थी. सो या बिग, ये काफ़ी पैसे बचा लिए. काश मुझे पहले पता होता, मेरी 2-3 क्रीम आ जाती 2500 में. बट नेवर माइंड, दिस इज गुड. ये काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग है. ये अगर मैं समर्स में यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा लाइक ग्रीसी फील हो जाती है इससे. बट अभी मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है यूज़ करने में, बिकॉज नाइट क्रीम भी नाइट क्रीम है, और जो इसमें एक्टिव इंग्रीडियंट्स हैं वो तो वर्क करते ही करते हैं. मैंने थोड़ी सी पील करी है, ज़्यादा भी पील करी. I'll just show you one swatch. So this is how it looks like. काफ़ी light, एकदम gel जैसे इसका texture है, लेकिन ये nourishing बहुत ज़्यादा है. Like इसको use करके मेरी skin dry, फटी फटी feel नहीं होती, तो winters के लिए काफ़ी अच्छी है. और ये जो pigment bio range, अगर आपको नहीं पता, ये specifically है for pigmentation, dark spots, acne marks, या जो भी आपको acne के issues, जो dark spots या फिर जो भी darkness के issue होते हैं उस पर ये work करती है. So ये थे सारे मेरे winter favorites, इनके links आपको मिल जाएंगे description box में. Definitely check it out. I think ये सारे मेरे OG फेवरेट चल रहे हैं अभी विंटर्स के लिए. सो अगर आपको भी यही सारे इश्यूज हैं जो मैंने हर एक प्रोडक्ट के साथ एड्रेस किया, आप डेफिनेटली ले सकते हो. यू वोंट रिग्रेट, ट्रस्ट मी. ऑल ऑफ दीज आर माय फेवरेट जो मैं यूज कर रही हूँ आजकल. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना. इसके अलावा डू फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर मोर. यू विल फाइंड सम रियली गुड रिव्यूज आउट देयर एज वेल. मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आपको भरमार मिलेगी रिव्यूज की, अपडेट्स की, लाइफ अपडेट्स की, जो भी चलता रहता है मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डालती रहती हूँ. सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.